top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी. आज उसका हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने उसका समापन किया है. पूरी कार्यसमिति के संबंध में मैं ये कह सकता हूं कि बहुत ही सफल, सार्थक और यह प्रेरक कार्यसमिति रही है. इस कार्यसमिति की बैठक के दौरान हमने क्या क्या भविष्य के कार्यक्रम तय किए हैं इसकी जानकारी तो मैं बाद में दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने आज कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है. प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन का जो विस्तार हुआ है उसकी प्रशंसा की है. उन्होंने कहा कि हमारा पिछला वर्ष भारतीय जनता पार्टी के संगठन के विस्तार का वर्ष था और संगठन का विस्तार दूर दराज क्षेत्रों तक हुआ है. उनका यह भी मानना था कि अब तो हमारे संगठन का एक हॉरिजॉन्टल जो विस्तार होना चाहिए वो तो हो गया है, लेकिन मैं यह आवश्यकता महसूस करता हूं कि कार्यकर्ताओं के अंदर अब इस प्रकार की एक कैपेसिटी बिल्डिंग की आवश्यकता है ताकि भारत राष्ट्र निर्माण में वह एक सशक्त एवं प्रभावी सिपाही के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सके. यानी उनका यह भी कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रचनात्मक सोच के साथ काम करें, गांव, गरीब, किसान, दलित, पिछड़े, यानी समाज के सभी वर्गों तक हमारे कार्यकर्ताओं की पहुंच होनी चाहिए. और हमारे कार्यकर्ता रचनात्मक जो भी कार्य सरकार ने लिए हैं हाथ में, जैसे स्वच्छता अभियान है, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, यह सब सारे जो कार्यक्रम हैं, ऐसे कार्यक्रमों से भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जुड़ने की आवश्यकता है. जवानों के लिए, मैं बेरोजगार नौजवानों की बात कर रहा हूं, क्या किया है हमारी सरकार ने, इससे लोगों को अवगत कराएंगे. इक्कीस, 22, 23, 24 अप्रैल को ग्राम सभा की बैठकें होंगी. जो भी कार्यकर्ता जाएंगे, जो भी वहां अधिकारी होंगे ग्राम पंचायत के, उन्हें पूरे दिन रहना है.